नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द यूफनी पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त जतिन, और अगर आप अपने गिटार पर प्ले करना सीखना चाहते हैं अरिजीत सिंह की मेडले जो उन्होंने रेडियो मिर्ची अवार्ड में गाई थी, बहुत ही फेमस मेडले है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए गाइस, अब देख लेते हैं गाने में कोर्ड्स कौन से यूज हुए हैं, स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है। और ओरिजिनली जो ये मेडले है वो आई थिंक एफ शार्प माइनर पे है, लेकिन मैंने यहाँ पर ई माइनर पे प्ले किया है। तो अगर आप ओरिजिनल प्ले करना चाहते हैं तो आप सेकंड फ्रेट पे कैपो लगा सकते हैं, और फिर कोर्ड्स जो होंगे वो वही होंगे। तो अभी हम ई माइनर से शुरू करते हैं। पहला कोर्ड ई माइनर, दूसरा डी मेजर, सी मेजर, जी मेजर, बी माइनर। गाइस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पांच कोर्ड्स हैं। पहला ई माइनर, दूसरा डी मेजर, तीसरा सी मेजर, फोर्थ जी मेजर, फिफ्थ डी माइनर। तो गाइस ये पांच कोर्ड्स हैं जो मेडले में यूज हुए हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की। चलिए, डाउन अप डाउन अप डाउन। अब आप इसी को भरकर बजा सकते हैं, इसमें और स्ट्रोक्स ऐड कर सकते हैं, लाइक अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ स्ट्रोक्स ऐड कर दिए हैं। डाउन अप 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 डाउन डाउन अप 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 डाउन। गाइस बहुत ही कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है, बहुत सारे गानों में यूज होता है ये। तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न था। संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू मुझे, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला तू।
गाइस मैं आपको कोर्ड्स बता चुका हूँ, स्ट्रमिंग बता चुका हूँ, और अभी आपने परफॉर्मेंस में देख लिया है चार्ट में, वहाँ पर कोर्ड्स डायग्राम बने हुए आ रहे थे कि किस तरह से कोर्ड्स चेंज हो रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसा है जो रह गया है, आप पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और ये मेडले बहुत ही लंबी है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बनाने वाला हूँ, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा एम रखा है। अभी ये फर्स्ट पार्ट था और सेकेंड पार्ट मैं बनाऊँगा। अगर मेरे पास 50 लाइक्स मेरी वीडियो पे आते हैं और मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगा। और आई होप आपने वीडियो पसंद किया होगा, आपके लिए वीडियो यूज़फुल थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। टिल देन प्ले व चिल आउट, बाय बाय।